हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म क्या होता है ये क्लियर करवा देता हूँ। देखो, आइसोमेरिज्म मतलब सेम स्ट्रक्चर और डिफरेंट कंपाउंड। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म बोलेंगे। दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा क्या होता है स्टीरियो आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग कब बोलेंगे, तो दो कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला क्या हो सेम। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में अच्छे से। सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास कंपाउंड है CH3CH2OH, इस कंपाउंड का नाम क्या है इथेनॉल, और फॉर्मूला क्या है C2H6O, और इसके साथ दूसरा कंपाउंड है CH3OCH3, ये कंपाउंड क्या है इथर है, और इथर का नाम क्या है मिथोक्सीमीथेन, लेकिन इसका फॉर्मूला भी क्या है C2H6O। तो डिफरेंट कंपाउंड है बट केमिकल फॉर्मूला सेम हो, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन गए। ओके, अब नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, अब स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो, जिनका केमिकल फॉर्मूला भी सेम हो, बट स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो। क्या बताया मैंने बोला कि मॉलिक्यूल्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो और जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो, बट स्पेस में उनकी अरेंजमेंट क्या हो, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए और उससे डिफरेंट कंपाउंड बन जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसको, स्टीरियो आइसोमर्स। तो मैं लिखवाता हूँ आप लोगों को कि केमिकल कंपाउंड्स केमिकल कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर, इस बार स्ट्रक्चर भी क्या है सेम है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, मतलब स्पेटियल अरेंजमेंट इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या स्पेटियल अरेंजमेंट, कि स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, चाहे उनका स्ट्रक्चर सेम हो चाहे उनका केमिकल फॉर्मूला भी सेम हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल दूसरा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होता है, ये बनता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सेंट्रल एटम, किसके कारण, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सेंट्रल एटम के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता है। तो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से आया। इट अराइजेज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सेंट्रल एटम। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण या सेंट्रल एटम भी हो सकता है, कभी कभी सेंट्रल जैसे स्पीसीज भी हो सकती है, कभी जैसे कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इस तरीके से। इट अराइजेज ड्यू टू रेस्ट, उनको हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें सेंट्रल एटम ही होता है जनरली, सेंट्रल मेटल जो होता है।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण हो जाए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक एक मेटल लिया और इसके साथ दो लगे हुए हैं NH3 और दो लिगेंड लगे हुए Cl2 और मेटल पे सपोज करता हूँ पॉजिटिव कुछ चार्ज इस आयन के ऊपर। अब देखो मेटल और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है, ये मान लेता हूँ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्केयर प्लेनर। जैसे यहाँ पे मैंने पीटी ले लिया, मेटल कौन सा ले लिया, पीटी। पीटी हमेशा स्केयर प्लेनर होता है चार लिगेंड्स के साथ। तो पीटी अगर मैंने ले लिया तो देखो ध्यान से, जैसे एक बार तो मैंने बना दिया कि स्ट्रक्चर इस तरीके से NH3 और NH3। ओके, और दोबारा आप लोगों ने सिस्ट्रांस का नाम तो सबने सुना होगा ना, पीटी, और यहां पे क्या आ गया NH3 और NH3 इस बार चला गया ट्रांस में। ये मैं सिस्ट्रांस ही बना रहा हूं, और यहां पे Cl आ गया है, यहां पे भी क्या आ गया है Cl। तो जब दोनों सेम टाइप के ग्रुप्स, जब दोनों सेम टाइप के ग्रुप्स एक दूसरे के आसपास आ जाए तो उसको बोलेंगे सिस आइसोमर। तो ये कौन सा आइसोमर है भाई, ये सिस आइसोमर है। और जब दोनों सेम टाइप के ग्रुप्स एक दूसरे के ट्रांस आ जाए तो इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। तो इसका जो भी नाम लिखोगे उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको, ट्रांस, ताकि सबको पता लगे कि दोनों क्लोरीन आपस में ट्रांस है, दोनों अमोनिया भी आपस में क्या है, ट्रांस है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आप इसको समझ रहे हो, आपको कंसेप्ट समझना चाहिए। कंसेप्ट ये कहता है कि देखो सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर डिफरेंट कंपाउंड है। डिफरेंट कंपाउंड मतलब हम सिस को ट्रांस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिस को ट्रांस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अपने सिस एक अलग कंपाउंड है और ट्रांस वाला एक अलग कंपाउंड है। आप लोग बोलोगे इसको घुमा देता हूँ, NH3 ऊपर चला जाएगा, Cl नीचे आ जाएगा। आप लोग बोल रहे हो कि इसको रोटेट कर देते हैं, NH3 ऊपर चला जाएगा, क्लोरीन नीचे आ जाएगा, बन गया ट्रांस आइसोमर। तो ध्यान से देखो, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो जैसे मान लेता हूँ मेरे पास, जैसे मान लेता हूँ मेरे पास ये सेंट्रल एटम है पिट्टी, ठीक है, आप लोग इसको देख लो ध्यान से, स्फेयर है, सेंट्रल एटम पिट्टी है। और मान लेता हूँ अभी सिस है, ये ऊपर की साइड क्लोरीन क्लोरीन और नीचे अमोनिया और अमोनिया है। आप लोग बोल रहे हो इसको घुमा देता हूँ, तो घूमेगा तो पूरे का पूरा क्या होगा, मोलिक्यूल ही तो घूमेगा या नहीं घूमेगा। तो इधर वाले अगर जैसे इधर वाले एटम्स ऊपर नीचे हो गए तो इधर वाले भी क्या हो जाएंगे, रोटेट, तो रहेगा तो ट्रांस का ट्रांस ही। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आधे एटम को पकड़ूं, आधे को तो घुमा दूं और आधे को सेम रख लूं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इधर वाला एटम तो मैं ऐसे का ऐसे रख लूं और इधर वाले हाफ को मैं घुमा दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। एटम घूमेगा तो पूरा घूमेगा, और अगर पूरा घूम गया तो ये चेंज करेंगे तो ये भी चेंज कर जाएंगे, दोबारा सिस बन जाएगा। समझ गए ना आप लोग, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इधर वाला एटम का हाफ पार्ट जो है वो रोटेट हो जाए। मान लो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाला हाफ घुमा दो आप लोग, घूमेगा तो पूरे का पूरा एटम ही घूमेगा। तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, मतलब कभी भी सिस अपने आप से ट्रांस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मुझे सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो मैं अमोनिया का बॉन्ड तोड़ूंगा और क्लोरीन का बॉन्ड भी तोड़ूंगा और फिर इनकी पोजिशन चेंज कर दूंगा। लेकिन बॉन्ड तोड़ने के बाद जो कंपाउंड बनते हैं वो डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, सेम कंपाउंड नहीं बनते। तो अगर बॉन्ड तोड़ने के कारण कुछ नई चीज़ जनरेट हुई है तो वो सेम नहीं रहा होगा, वो कोई डिफरेंट बन गया होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग तो अलाउड नहीं है। आइसोमर्स मतलब कि डिफरेंट कंपाउंड हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, अगर एक से दूसरा बनाते टाइम हमें कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, हम दो अलग अलग कंपाउंड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, दोबारा बताता हूँ। अगर एक कंपाउंड से दूसरा बनाते टाइम मुझे कोई बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं तो मतलब वो डिफरेंट कंपाउंड है। और सिंपली इसी को पकड़ के घुमा दूंगा फिरा दूंगा तो फिर वो क्या है, सेम कंपाउंड है। घुमाने फिराने से कंपाउंड में कोई चेंज नहीं आता। इस पूरे स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को पकड़ता हूँ मैं और पकड़ के इसको रोटेट कर दो, उल्टा कर दो, सीधा कर दो, फेंक दो इधर उधर,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम कंपाउंड रहेगा। लेकिन अगर बॉन्ड तोड़ के ऊपर लगा दिया, इसके बॉन्ड को तोड़ के नीचे लगा दिया, मतलब हमने बॉन्ड का ब्रेक किया है, तो मतलब ये डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे सिस और ट्रांस क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी कुछ कंसेप्ट, इसको आप लोग नोट कर लेना, या चलो बाद में अभी करवा दूंगा दोबारा से, हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। देखो, जैसे मान लेता हूँ मेरे पास कार्बन और डबल बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और क्या है, क्लोरीन है। अब ये तो क्या हो गया, सिस हो गया, ये क्या हो गया, सिस, क्योंकि सेम टाइप के ग्रुप कहाँ कहाँ पे है, ये तो सिस आइसोमर है, बोलो है या नहीं है। और अगर इसकी बात करूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्लोरीन, और इधर भी मैंने लगा दिया क्लोरीन, और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन, तो ये क्या है, ये ट्रांस आइसोमर है, बोलो है या नहीं है। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। अच्छा जी, मैंने बोला डबल बॉन्ड के आसपास अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं या दोनों क्लोरीन सेम साइड पे, एक ही माता किसी को भी देख लो, तो ये सिस, अगर अपोजिट साइड पे है तो ये ट्रांस। ये मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोबारा से नहीं बताऊँगा इतनी, मतलब थोड़ा सा बताऊँगा उस टाइम पे, यहाँ पे सुन लो ध्यान से। तो अब जैसे मान लो मैंने, आप बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड में भी ऐसा हो सकता है, चलो सिंगल बॉन्ड पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, आप लोग देखो इस चीज़ को ध्यान से, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है कार्बन के राउंड। जैसे मान लिया एक बार H है, और एक तरफ जैसे इसके साथ Cl है, और एक तरफ इसके साथ क्या है, Br है, इस तरीके से कुछ भी कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो मान लेता हूँ ये H हो गया, और ये क्या हो गया, Cl हो गया, और ये क्या हो गया, Br। आप बोल दोगे सर सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड पे, तो सिस होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग लिख दोगे सिस, इसको क्या लिख दोगे, सिस, ओके। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसका एक ट्रांस आइसोमर मैं कैसे बना दूंगा, उल्टा करके लिख देता हूँ, चलो। तो कार्बन कार्बन, और इस बार हाइड्रोजन को ऊपर दिखा देता हूँ, चलो मान लेता हूँ, और क्लोरीन को भी चलो सेम दिखा देते हैं, और ब्रोमीन को अपोजिट साइड में कर देते हैं। इस बार आप लोग बोल सकते हो कि सर देखो ध्यान से, मैंने क्या कर दिया, दोनों ब्रोमीन को ले आया अपोजिट साइड में, और यहाँ पे दोनों ब्रोमीन कहाँ पे है, सेम साइड में, तो ये तो सिस हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रांस। मैं कहता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसको ध्यान से देखो। देखो भाई, ये मान लेता हूँ कोई भी कंपाउंड जो आप लोगों ने बताया, ये एक कार्बन है, और सपोज करता हूँ ये दूसरा कार्बन है, और इन दोनों ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, कैसे, इस कार्बन ने इसके ऑर्बिटल्स के ऊपर ओवरलैप कर रखा है, ठीक है। इस टाइम पे आपने बोला सिस है, दोनों ब्रोमीन नीचे की साइड थे, एक ब्रोमीन नीचे था, दूसरा ब्रोमीन भी नीचे था। अब सिंगल बॉन्ड है तो ऑर्बिटल्स पे ओवरलैप, ऑर्बिटल ने ओवरलैप कर रखा है, लेकिन ऑर्बिटल घूम तो सकते हैं अपनी जगह में, देखो क्या ओवरलैप खत्म हो गया, क्या ऑर्बिटल टच नहीं कर पा रहे हैं हम, मैंने इसको घुमा दिया, अच्छे से देख लो आप लोग, यहीं पे रहते रहते ऑर्बिटल्स क्या कर गए, घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं। देखो इसको मैंने फिक्स कर दिया, मान लेता हूँ इसको मैंने फिक्स कर दिया, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, ऐसा कर सकता हूँ मैं, इस एटम को फिक्स कर दिया, दूसरे वाले को घुमा देता हूँ, क्योंकि डिफरेंट एटम्स है दोनों दोनों। तो देखो क्या घुमाने से बॉन्ड टूट रहा है, नहीं टूट रहा, कॉन्टैक्ट टूट रहा है, नहीं टूट रहा, ऑर्बिटल्स का ओवरलैप तो ऐसे का ऐसे ही चल रहा है, तो इसका मतलब जो सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, वो बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैप से बनता है। तो सिंगल बॉन्ड को कितना भी घुमा लो, इसको फिक्स रखो, इसको घुमा लो, घुमा लो, घुमाने से कोई ओवरलैप खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पे इस टाइम पे सिस था, मैंने इस कार्बन को पकड़ा कॉन्स्टेंट और इसको घुमा दिया, ब्रोमीन ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा, सिस से बढ़ गया ट्रांस। तो क्या सिस से ट्रांस बनाते टाइम कोई मुझे बॉन्ड तोड़ना पड़ा, नहीं तोड़ना पड़ा। तो ये और ये सेम ही है, ये आप देखो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है, रोटेशन करवाने में कोई नुकसान नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं टूटता है हमारा। तो सिंगल बॉन्ड जहाँ पे है वहाँ पे सिस किस में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांस में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन डबल बॉन्ड का मतलब देखो, समझो आप लोग क्या होता है भाई, सिंगल बॉन्ड तो बनता है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, और जो पाई बॉन्ड बनता है ना, जो सेकंड बॉन्ड, वो बनता है दोनों न्यूक्लियाई के परपेंडिकुलर। आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, पाई बॉन्ड कैसे बनता है,
इलेवंथ क्लास में। पाई बॉन्ड बनता है इंटर, ये अगर दोनों के न्यूक्लियस है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल बनता है पाई बॉन्ड। अब ध्यान से समझो, मान लेता हूँ कि ये बन चुका है सिंगल बॉन्ड, ये बन चुका है सिंगल बॉन्ड, अभी रोटेशन अलाउड है, और पाई बॉन्ड बन गया इसके पैरेलल इस तरीके से, ठीक है। ये उंगलियाँ जो है ये पाई बॉन्ड है, और ये अंगूठा जो है ये सिग्मा बॉन्ड है। अब मैं चाह रहा हूँ एटम को रोटेट करना, ठीक है, तो एक को फिक्स रखूँगा, दूसरे को रोटेट कर दिया। देख लो, रोटेट करते ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोन, अगर इस एटम को मैंने रोटेट कर दिया तो ये सिग्मा तो नहीं टूटेगा, लेकिन पाई क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, पाई का ओवरलैप खत्म हो जा रहा है, हो जा रहा है नहीं हो जा रहा पाई का ओवरलैप, देख लो आप लोग ध्यान से, क्लियर हो गया होगा शायद। तो इसका मतलब इस बॉन्ड के अराउंड फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्री रोटेशन में इसका बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड टूट जाए तो मतलब वो कंपाउंड सेम नहीं रहेंगे। सिस से ट्रांस बनाते टाइम मुझे बॉन्ड को क्या करना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है। देखो आप लोग बोलोगे सर इसको घुमा देंगे तो सिस ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इसको घुमा देंगे तो सिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांस में, अगर इसको रोटेट कर दें। लेकिन इस रोटेशन को करते टाइम एक बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, और बॉन्ड ब्रेकिंग नॉट अलाउड, बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब डिफरेंट कंपाउंड। तो चलिए अब आपको समझ आ गया। देखो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई नया वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं यही वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, यही कंसेप्ट वहाँ पे भी यूज होगा बिल्कुल सेम। बस ऑर्गेनिक के चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें मैं इसी वीडियो को दोबारा डाल दूंगा, आप लोग दोबारा यहाँ पे उसको देख लेना। तो इस तरीके से देखो, डबल बॉन्ड के अराउंड तो सिस ट्रांस पॉसिबल है, लेकिन सिंगल बॉन्ड के अराउंड कोई सिस कोई ट्रांस नहीं होता है, बोथ आर सेम कंपाउंड। इसको घुमा देंगे, इसमें रोटेशन अलाउड है, इसमें रोटेशन नॉट अलाउड, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। मैंने शायद 11th में भी इसको करवाया होगा, ये यहाँ पे फ्री रोटेशन नॉट अलाउड, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाए उसके कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो यहाँ पे रोटेशन क्या होगी, रेस्ट्रिक्ट हो गई। और अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे फ्री रोटेशन इज अलाउड, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है फ्री रोटेशन पे, तो ये दोनों सेम कंपाउंड है, तो बोथ आर सेम कंपाउंड्स, आप लोग लिख लो बोथ आर सेम कंपाउंड्स, ओके। अब मैं आगे चलता हूँ। अब ये इतनी बात जिसको समझ आ गई, इतनी बात जिसको समझ आ गई, अब उसको कोई समस्या नहीं होगी, ओके। देखो अब सब लोग ध्यान से समझ लो हर चीज़ को। पहली बात, अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो टेट्राहेड्रल है, चाहे वो ऑर्गेनिक में आए चाहे वो यहाँ पे आए, अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो क्या है, टेट्राहेड्रल, हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स में जो कि टेट्राहेड्रल होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हो, या कहीं भी हो, टेट्राहेड्रल कंपाउंड अगर मेरे पास है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग देख रहे हैं। मानता हूँ कि मेरे पास कोई भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड है MX4 टाइप का, या चाहे MX2Y2, MXYZW, इस टाइप का कोई भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट लग रखे हो, ग्रुप मतलब यहाँ पे क्या है, लिगेंड्स, चारों लिगेंड्स डिफरेंट लग रहे हो, या चारों दो लिगेंड सेम हो, दो सेम हो, या चारों लिगेंड सेम आ जाए MX4 टाइप का, XYZ क्या है यहाँ पे, लिगेंड्स है। तो अब देखो ध्यान से इसमें क्या बनेगी, अगर कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, आप लोग देखो ध्यान से, अगर कंपाउंड टेट्राहेड्रल है तो मेटल बनाऊंगा, और मैं टेट्राहेड्रल कैसे बनाता हूँ, XX एक प्लेन से स्लाइटली बाहर की साइड, ये क्या है, आउटवर्ड टू द प्लेन, और जो डैश वाली लाइन पे होता है वो क्या होता है, इनसाइड टू द प्लेन, ओके। ये तो हो गया एक कंपाउंड। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे एंगल 109 डिग्री के होते हैं, आपस में जितने भी एंगल बनेंगे कितने डिग्री के बनेंगे, 109 डिग्री के, ये सब एंगल 109 डिग्री के हैं। इसने इसके साथ जो बनाया है वो भी 109 डिग्री का है, और इसने इसके साथ जो बनाया है वो भी कितने का, 109 डिग्री का, सब एंगल 109 डिग्री का है। ये 3D का फिगर है, ये 2D नहीं है, ये क्या है, ये फिगर 3D का फिगर है, ये सारे के सारे एंगल क्या है, 109 डिग्री के हैं।
तो इसमें देखो, मानो यहाँ पे तो चारों लिगेंड सेम है, अगर मैंने दो लिगेंड्स को डिफरेंट भी कर दिया, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे मैंने वाई लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, वाई लगा दिया, तो हम इसको सिस और ट्रांस नहीं बोल सकते। इसके लिए ये पोजिशन भी वही है, ये इस वाली पोजिशन के लिए, इस वाली पोजीशन के लिए ये भी 109 पे है, ये भी 109 पे है, ये भी 109 पे है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना आप लोग। अगर मैं आप लोग करना चाहो इसको सिस और ट्रांस, तो देखो ध्यान से, इस पोजीशन के लिए तीनों पोजीशन ही बराबर है, इसके लिए भी ये तीनों पोजीशन ही क्या है, बराबर, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सारी पोजीशन बराबर है, कोई अपोजिट नहीं है। तो जब अपोजिट पोजीशन नहीं है कोई, तो हम क्या बोलेंगे, किसको सिस बोलेंगे, किसको ट्रांस बोलेंगे। तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड में चाहे दो लिगेंड डिफरेंट हो जाए, चाहे चारों लिगेंड डिफरेंट हो जाए, चाहे चारों लिगेंड सेम हो जाए, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। जहाँ पे टेट्राहेड्रल कंपाउंड आ गया वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक पोजीशन के हिसाब से बाकी सारी पोजीशंस बराबर हैं, चाहे इस पे रखो दूसरे लिगेंड को, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, सभी पोजीशंस बिल्कुल बराबर हैं। अगर सारी पोजीशंस बराबर हैं तो मतलब हम किसी को भी सिस या किसी को भी ट्रांस नहीं बोल सकते। जैसे स्केयर प्लेयर में क्या था, सिस तो होता था दोनों सेम साइड पे आ जाए ऊपर की तरफ, और ट्रांस में दोनों अपोजिट साइड आ जाती थी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स, ये काफी बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन, इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स ऑल पोजिशंस आर इक्विवेलेंट, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। सो नो, ऐसे लिख लो, सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि एक पोजीशन के लिए बाकी तीनों पोजीशन ही बराबर है। इस वाले एक्स के लिए ये और ये बराबर है, कोई फर्क नहीं है इनमें, तो हम किसी को भी सिस या किसी को भी ट्रांस नहीं बोल सकते। हम ये थोड़ी बोलेंगे इसके साथ तो सिस है और इन दोनों के साथ ये पोजीशन ट्रांस है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, सारी पोजीशंस इक्वल है। तो आप लोग इस बात को दिमाग में डाल लो अच्छे तरीके से, जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल आ गया, जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल आ गया वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, तो पता लग गया सबको कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में पहला केस मैं ले लेता हूँ कि जब मेरे पास जो लिगेंड्स हैं चारों सेम हैं, जब चारों लिगेंड्स सेम है तो उस टाइम पे देखो ध्यान से क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका। एम, देखो प्लेन के अंदर एक स्केयर टाइप की शेप बनेगी, सबको पता होना चाहिए स्केयर प्लेनर शेप कैसी होती है, वरना कोई फायदा नहीं है सब पढ़ने का। ये एक स्केयर टाइप की शेप बन गई ना। तो इसमें जब चारों लिगेंड सेम है तो इसका किसको सिस बोलेंगे, किसको ट्रांस, तो इसके अंदर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, इसके बाद सेकंड केस मैं ले लेता हूं, एक लिगेंड को डिफरेंट कर दो, जैसे एम एक्स थ्री और एक तरफ क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे, ठीक है, एम एक्स थ्री वाई थ्री। तो इसके इसको बनाते हैं, देखो एम एक्स थ्री वाई, सॉरी वाई थ्री नहीं है, एम एक्स थ्री वाई, मेटल और किसी भी तीन तरफ दिखा दो एक्स और एक तरफ दिखा दो वाई, तीन तरफ दिखाया मैंने एक्स और एक तरफ दिखा दो वाई, जैसे ये वाला क्या है, वाई है। तो ध्यान से देखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप वाई को यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, क्योंकि बाकी तो सारे के सारे क्या है, एक्स है, कोई पोजीशन का कोई डिफरेंस नहीं है, वाई को आप कहीं भी लगा सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है बस इससे,
मतलब कि वाई को यहाँ लगाओगे तब भी सेम कंपाउंड, यहाँ लगाओगे तब भी सेम ही कंपाउंड बनेगा, कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं बनेगा। आप बोलोगे यहाँ पे लगाया तो पलट के लग दो, वो दोबारा ये बन जाएगा। यहाँ पे बनाया फिर इसको ऐसे पलट दो, यहाँ पे अगर मैंने वाई को बनाया फिर ऐसे पलट दो, यही बन जाएगा दोबारा से। और अगर यहाँ पे वाई लगाया तो मॉलिक्यूल को उठा के ऐसे उल्टा पटक दो, ऐसे ये ऐसे है, मॉलिक्यूल को ऐसे पलट दो, समझ गए ना आप लोग। यहाँ से पकड़ो दोनों एक्स को, उल्टा कर दो, तो ये जो वाई यहाँ लगा है तो वो सेम यहीं पे आ जाएगा, मतलब सेम रहेगा, इसको कहीं भी पुट कर दो सेम कंपाउंड बनेगा। तो ये भी इसमें भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ओके, अब सेकंड केस हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी दो हो गए, थर्ड केस हम लोग पढ़ते हैं, जब एम एक्स टू और वाई टू हो जाए, कोई भी दो लिगेंड सेम, दूसरे दोनों भी सेम, तो ये इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। एम एक्स वाई और इधर मैंने एक्स लगाया, यहाँ पे मैंने वाई लगाया। ओके, तो जैसे इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये जब एक्स और एक्स अपोजिट साइड में आ गई, एक्स और एक्स कहाँ आ चुके हैं, अपोजिट साइड में आ चुके हैं, तो ये क्या है, ट्रांस आइसोमर। ये क्या है, ट्रांस आइसोमर। और अगर एक्स और एक्स एक्स सेम साइड पे आ जाएं तो क्या बन जाएगा, एम और मान लेता हूँ एक्स दोनों सेम साइड पे आ जाए और दोनों वाई सेम साइड पे आ जाएं, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सिस बोलूँगा। ये कौन सा आइसोमर बन गया, सिस आइसोमर। तो इसको बोलेंगे सिस आइसोमर। ये ऑप्टिकली सॉरी ज्योमेट्रिकली एक्टिव है, इट इज ज्योमेट्रिकली, या बोलेंगे टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, आइसोमर्स आर पॉसिबल। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अच्छा जी, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सिस के अगर आप लोग एग्जांपल लिखने चाहो तो एग्जांपल भी लिख लो। फॉर एग्जांपल जैसे PtCl4 हो गया 2-, या फिर NiCN4 हो गया 2-, या फिर PtCl, मतलब चारों लिगेंड सेम हो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे जब चारों लिगेंड सेम है। जब दो लिगेंड, तो इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल PtCl दो तो हो जाए, NH3 दो क्या लगा दूँ, क्लोरीन। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें सिस बनेगा और ट्रांस बनेगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको मिटा देता हूँ मैं ऊपर वाले को। थर्ड केस एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, जब चारों ही लिगेंड डिफरेंट होंगे, जब चारों ही लिगेंड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जैसे एम के साथ सेंट्रल एटम एम है और उसके साथ इसमें सपोज करता हूँ लगा दिया डब्लू एक्स वाई एंड जेड, ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें चारों लिगेंड कैसे हैं, डिफरेंट। तो इस केस को देखो ध्यान से, कितने की, कौन सा केस है, फोर्थ केस है। तो फोर्थ केस में क्या होगा, मेटल, इसके कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेंगे, इसको ध्यान से देखो आप लोग। आप लोग एक बार x को देखो, किसी भी एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर दो, सपोज हमने w की पोजीशन को फिक्स कर दिया, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसके तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे और तीनों को बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ आपको। एक की पोजीशन फिक्स कर दो यहाँ पे, अब इससे अपोजिट ट्रांस में लेके आओ एक बार वाई को, एक बार लेके आओ एक्स को, एक बार वाई को और एक बार जेड को, और बची हुई दोनों पोजीशंस के ऊपर जो बच गए लिगेंड्स उनको लिख दो, वाई बच गया और क्या बच गया, जेड बच गया। दूसरी बार लिखो मेटल, और इस लिगेंड की पोजीशन क्या है, फिक्स, डब्लू को मैंने फिक्स कर दिया, किसी भी एक लिगेंड को फिक्स कर देंगे, और इसके अपोजिट हम लोग लेके आएंगे किसको, वाई को, और फिर वाई को इसके अपोजिट लेके आएंगे, बच गए कौन से, एक्स और जेड को, इन दोनों पोजीशंस पे लिख दो, कैसे भी करके लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है मेटल, और डब्लू को रखो यहीं पे फिक्स, और यहाँ पे कौन सा बच गया, एक्स वाई जेड और डब्लू रह गया, सॉरी जेड एक्स और वाई आ चुका है ट्रांस में, अब जेड आएगा, और एक्स और वाई को, एक्स और वाई को यहाँ पे लेके आ जाओ। ये तीन पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। आप लोग कहोगे कि सर और भी तो पॉसिबल हो सकते हैं,
आप और शीश में ले आए इनको, आप लोग और आप हम और भी इसके क्या बना सकते हैं, जैसे कि आइसोमर बना सकते हैं ज्योमेट्रिकल। आप लोग ट्राई कर लो, जब उनको घुमाएंगे फिराएंगे पलटेंगे कुछ ऐसा इनके साथ करेंगे तो इन्हीं तीनों में से एक बन के आ जाएगा। जब भी आप उसको घुमाओगे फिराओ, आप लोग खूब सोच लो, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स ट्राई करो, उनको रोटेट रोटेट करके देखो, ये ही तीन में से एक बन के आ जाएगा अपने आप से। नहीं आए तो मुझे बता देना, फिर आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं लेके आ जाऊँगा इन तीनों में से। मतलब दुनिया में आप लोग कितने भी कंपाउंड बना लो चार लिगेंड्स के, यही तीन कन्फिग्रेशन हो सकती है, चौथी नई कन्फिग्रेशन नहीं बनेगी। आप इन लिगेंड्स को चाहे कि आप लोग बोलोगे कि सर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्स को नीचे लिख देता हूँ और जेड को ऊपर लिख देता हूँ, पलट के लिख देता हूँ, तो ये बन गया नया। देखो भाई ये कोई नया कंपाउंड नहीं है, वो सेम कंपाउंड है। कंपाउंड को मैं रोटेट कर दूंगा कौन सी एक्सिस के अलोन, आप लोग ध्यान से देख लो कैसे। अगर मैंने इस एक्सिस के अलोन कंपाउंड को पकड़ा और रोटेट कर दिया तो भाई ये तो यहीं पे घूमते रहेंगे, जेड और डब्ल्यू और एम तो घूमते रहेंगे ना यहीं पे ऐसे ऐसे, और एक्स चला जाएगा इधर और जेड आ जाएगा इधर। कंपाउंड को रोटेट करने से अगर वो दूसरा बन जा रहा है तो मतलब वो सेम कंपाउंड है। रोटेट करने से अगर कंपाउंड बन जा रहा है तो वो सेम कंपाउंड है। तो अगर एक्स ऊपर आ गया जेड नीचे आ गया तो मतलब वो सेम कंपाउंड है, क्योंकि थोड़ा सा रोटेट करते ही क्या बन जा रहा है, वो कंपाउंड बन जा रहा है, मतलब वो कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। तो जो फ्री सिंपली रोटेशन से जो बन जाए तो मतलब वो कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं बनाए, लेकिन जो सिंपली रोटेट करने से ना बन पाए तो वो डिफरेंट कंपाउंड है। तो ये स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के तीन केसेस थे। तो इसके मैं बोल सकता हूँ कि थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। ओके देखो ये सब चीज़ें अब कोविड की वजह से अब ये सीबीएसई में तो शायद नहीं आएंगी, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में अब ये नहीं है। बट देखो पहली बात, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए या नीट के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं आएगा उसमें। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सफिशियंट है आईआईटी के लिए नीट के लिए। और दूसरी बात, सीबीएसई बोर्ड में भी जो दूसरे चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इनको आप लोग पढ़ ही लो अच्छे से। और ये बिल्कुल इजी बातें हैं, बस हमें मॉलिक्यूल्स को घुमा के फिरा के लिख के देखना है, मतलब इमेजिन करना है, कोई इसमें नई साइंस थोड़ी ना सीख रहे हैं हम लोग। ज्योमेट्रीज को इमेजिन करना है इसके अंदर, डिफरेंट ज्योमेट्रीज को। तो ये स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखो वो हाईली सिमेट्रिक होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और टेट्रा भी हाईली सिमेट्रिक ही होता है। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में छह लिगेंड्स आते हैं। मैं मान लेता हूँ मेरे पास छह लिगेंड्स है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी छह ग्रुप्स हैं। तो अब ध्यान से देखो इसमें क्या हो जाएगा। आप लोग अपने दिमाग में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज को बहुत ध्यान से बिठा लो कि होते क्या हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। मेटल और चार लिगेंड तो बनाएंगे स्केयर प्लेनर, जैसे चार लिगेंड तो स्केयर बनाएंगे एक प्लेन में इस तरीके से, ठीक है। चार लिगेंड तो बनाएंगे स्केयर प्लेनर, और दो लिगेंड कैसे रहेंगे एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। अब इसको इमेजिन कर लो आप लोग ध्यान से, फिगर इतना सिंपल नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि ये चारों लिगेंड तो इस वाइट बोर्ड के प्लेन में है, ये चारों लिगेंड क्या है वाइट बोर्ड के प्लेन में है, और ये जो लिगेंड है ऊपर की तरफ ये प्लेन के परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है बाहर की तरफ। और ये जो डॉटेड लाइन पे जो मैं दिखाता हूँ पूरी केमिस्ट्री में जो डॉटेड लाइन पे दिखाऊंगा वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है अंदर की तरफ, ये इनसाइड द प्लेन, ये आउटसाइड द प्लेन, वाइट बोर्ड के प्लेन के बाहर की साइड है। और ये सारे स्केयर बना रहे हैं, ये सारे क्या बना रहे हैं चारों के चारों स्केयर बना रहे हैं। अब ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि ये प्लेन के बाहर है और ये प्लेन के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो मेरे पास कंपाउंड ऐसा है, मैं इन चारों को स्केयर बोल देता हूँ, इन चारों को क्या बोल देता हूँ स्केयर,
देखने वाला इस तरीके से इसको देख रहा है कि ये चारों स्केयर है और ये प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर दिखेगा उसको। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। या देखने वाला इसको ऐसे भी देख सकता है कि ये चारों लिगेंड्स जो हैं ये क्या है, स्केयर है, और ये प्लेन के बाहर, ये प्लेन के अंदर। तो आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें सब पोजिशन बराबर हैं, यही एक स्केयर नहीं बन सकता है। इसमें देखो स्केयर प्लेन, सॉरी ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसमें आप ये समझो कि भाई ये एक एक्स एक्सिस है और ये क्या है, एक वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर बाहर की साइड है और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है अंदर की साइड। इस तरीके से छह लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे मैंने क्या बोला कि मैं x और y वालों चारों को लेके मैंने प्लेन बना दिया, x और y वाले चारों लिगेंड्स को लेके मैंने प्लेन बना दिया, xy प्लेन है, तो z क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर। इसी तरीके से आप लोगों ने अगर yz प्लेन ले लिया होता तो x क्या हो जाता उसके परपेंडिकुलर, और xz प्लेन ले लिया होता तो y क्या हो जाता उसके परपेंडिकुलर। तो इसी तरीके से हम कोई भी चारों को अगर मैंने जैसे मान लिया प्लेन में ले लिया तो बच्चे हुए दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो यही केस है इसका ऑक्टाहेड्रल का। आप लोग इसको समझ गए होंगे, ऑक्टाहेड्रल को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चार प्लेन में हो लिए देख सकते हो आप लोग। ऐसा नहीं है कि इन्हीं चारों को प्लेन में देखना है, मैं ये कह रहा हूँ ये हाईली सिमेट्रिक है, मतलब हर तरफ स्केयर बन सकता है। ये चारों अगर स्केयर बना रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ऊपर, ये परपेंडिकुलर नीचे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सारी पोजिशंस बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है सारी पोजिशंस। तो इस बात को आप लोग दिमाग में बिठा लो बहुत अच्छे तरीके से। ये 11th क्लास में जब हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी तो उस टाइम भी मैंने इसके बारे में यही सब बातें आप लोगों को बताई थी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो अब इसको ध्यान से लिखते हैं हम लोग। तो छह लिगेंड है और सारे की सारी पोजीशंस बराबर है, छह के छह क्या है लिगेंड्स हैं एल और सारी पोजीशंस भी बराबर है, सब पोजीशंस इक्वल है, तो कहीं भी लिगेंड को लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर का चक्कर नहीं है, ठीक है। तो जब सारे लिगेंड सेम ही आ गए तो फिर क्या आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लिख लो इसके लिए आप लोग बड़े बड़े अक्षर में, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, अब ओके अगर आप लोग बोल दोगे इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, अगर आप लोग एक लिगेंड को चेंज कर दो, पांच एल लगा लो एक एक्स लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग देखो ध्यान से किस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे आप लोग एक्स को यहाँ पे लगाओ, आपको दिख रहा है ये लग गया प्लेन से बाहर, या फिर आप एक्स को यहाँ पे लगाओ, तो ये एक ही बात है, कोई अलग बात इसमें नहीं है। एक्स को आप लोग चाहे कहीं भी लगाओ वो सेम ही रहेगा। तो एक्स के लिए सारी पोजिशन बराबर है, ये प्लेन से ऊपर वाली है, ये एक ही है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। तो इसमें कोई, इसमें भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लो अच्छे से, इसमें भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। अब हम लोग चलते हैं केस थ्री पे। जब मैंने क्या किया, मेटल लिखा और उसके चारों तरफ चार लिगेंड लगाए सेम और दो लिगेंड लगा दिए डिफरेंट, या फिर मैंने क्या किया मेटल के साथ चार लिगेंड लगाए डिफरेंट और एक लगा दिया एक्स एक लगा दिया वाई, दोनों में सेम बनेगा, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी है इसकी, एक तो मैं बोल दूंगा कि मेटल जो है उसमें चार लिगेंड्स इस तरीके से आएंगे और जो दोनों एक्स हैं, दोनों एक्स जो हैं वो आपस में क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ 180 का एंगल बना रहे हैं, तो ये ट्रांस हो गया, ये क्या हो गया। अब क्योंकि दो डिफरेंट लिगेंड्स आ गए तो इनकी पोजीशंस में हम लोग देख सकते हैं कि x और x आपस में अपोजिट हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। ओके, और अगर x और x आपस में अगर x और x आपस में सिस हो जाए, देखो यहाँ पे x के और x के बीच में एंगल कितने का है भाई,
यहाँ पर x और x के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। आप लोग बोलोगे सर कैसे 90 डिग्री का, ये तो 60 का दिख रहा है। ये जो x है, ये x जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ, बोलो है या नहीं है। प्लेन के परपेंडिकुलर अगर बाहर की तरफ है तो इसके बीच में और इसके बीच में एंगल 90 का है या नहीं है। तो देखो इस एक्स के लिए ये भी सिस, ये भी सिस, ये भी सिस, ये चारों पोजीशन जिस पे एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। ये चारों पोजीशंस क्या है, सिस है। यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो। तो एक लिगेंड के लिए चार पोजीशंस तो सिस होती है और एक पोजीशन क्या होती है, ट्रांस। तो जब दोनों लिगेंड्स आपस में अपोजिट आ जाए तो ट्रांस, और दोनों लिगेंड्स जैसे यहाँ पे एक्स और एक्स सिस आ गए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, सेम बात पड़ेगी, सब में एंगल 90 डिग्री का, तो क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। तो ये क्या है, सिस आइसोमर है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होंगी ML4 और X4 में, X2 में, या फिर XY जब हो जाए तब भी दो पॉसिबिलिटी है। इसको देखो ध्यान से, इसको आप लोग नोट कर लो। अब मान लो X और Y लगाने हैं मुझे, तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो XY को आपस में क्या लगा दो, ट्रांस, या XY को आपस में क्या लगा दो, सिस लगा दो, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो इस केस में भी दो ही जो है आइसोमर बनेंगे, चाहे ML4X2 हो या ML4XY हो, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से। अभी नेक्स्ट है ML3X3 टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर हो, तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अगर नेक्स्ट लिगेंड ML3X3 टाइप का आ गया तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, M और ये मेरे पास मान लेता हूं मैं 6 पोजीशंस आ गई, अब देखो मैं क्या करता हूं, तीनों सेम टाइप के लिगेंड्स को दिखा देता हूं कहां पे, एक फेस के ऊपर। ये फेस देखो कैसे बन गया, ऑक्टेहेड्रल के 8 फेस होते हैं इसीलिए इसका नाम ऑक्टेहेड्रल होता है, 8 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं ऑक्टेहेड्रल में। तो अगर तीनों लिगेंड एक ट्रायंगुलर फेस पे आ गए तो मैं क्या बोलूँगा, इसको फेशियल आइसोमर, इसको क्या बोलूँगा, इसको फैक आइसोमर भी बोल देते हैं, और फैक मीन्स फेशियल। और तीनों एक्स भी क्या आ जाएं, दूसरे फेस के ऊपर आ जाएं, जैसे एक्स एक्स और एक्स आ गए दूसरे फेस के ऊपर, या फिर क्या हो जाए, चलो मैं पहले 6 पोजिशंस बना देता हूँ आप लोगों के लिए। कि जो तीन जो x हैं वो इस तरीके से हो जाए, कहीं पे भी एक ट्रांस आ जाए, कहीं पे भी क्या बन जाए, x और x आपस में क्या आ जाए, ट्रांस बन जाए। जैसे इसमें देखो तीनों आपस में सिस हैं, और इसमें तीनों x भी आपस में सिस हैं, और यहाँ पे x और x क्या आ चुके हैं, ट्रांस आ चुके हैं, और यहाँ पे जैसे y और y भी क्या आ चुके हैं, एक पेयर ट्रांस का बन जाए बस। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग बोलते हैं मैरीडोनल आइसोमर या मर आइसोमर, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम है मर आइसोमर। इसको मर आइसोमर क्यों बोला गया, देखो क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ एक मैरीडोनल, जैसे अर्थ के अराउंड एक इक्वेटर होता है ना, तो जैसे इक्वेटर अगर मैं बनाना चाहूँ इन चारों लिगेंड्स को लेते हुए, तो तीनों सेम टाइप के लिगेंड्स, सॉरी तीनों सेम टाइप के लिगेंड इस मैरीडोनल के ऊपर आ गए, मतलब ये इक्वेटर टाइप का जो बन रहा है ना, इसके ऊपर तीनों एक्स आ गए। या दूसरा मैरीडोनल मैं बना सकता हूँ इस तरीके से, देखो ध्यान से, इन तीनों को लेते हुए, इन चारों को लेते हुए, तो ये वाई 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 दूसरे वाले मैरिडनल के ऊपर भी आ जाएंगे। तो अगर जैसे इसको किसी भी तरीके से आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि या तो दोनों दो एक पेयर बन जाए ट्रांस का, जैसे वाई और वाई आपस में क्या है, ट्रांस, या बोल सकते हो कि सबके सब एक मैरिडनल एक्सिस के ऊपर लाई करने लग जाए, एक सेंट्रल के अंदर से जो एक्सिस आएगी उसके ऊपर लाई करने लग जाए, तो हम क्या बोलेंगे, इसको मर आइसोमर। और अगर तीनों एक फेस पे, एक ट्रायंगुलर फेस के ऊपर तीनों सेम लिगेंड आ जाए, तो उसको बोलेंगे फेक आइसोमर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और, इसके दो से ज़्यादा आइसोमर नहीं बन सकते। आप लोग बोलोगे सर ML3X3 की कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, आप लोग कितनी भी ट्राई कर लो वो इन दोनों में से ही एक बन पाएगा, कोई नई चीज़ इसके लिए नहीं बन सकती है। तो ML3X3 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स या तो फैक आइसोमर बनेगा या फिर मर आइसोमर ही बनेगा। तो ये था ML3X3 लिगेंड।
ओके नेक्स्ट है MeN2Cl2। En क्या है, एक्सीलेटिंग लिगेंड है, सबको पता है, इथेन 1,2 डायमीन। तो इस केस में देखो क्या बनेगा, मेटल, और मान लेता हूँ ये एक लंबी सी जो चिलेट की चेन होती है, जो भी En का फॉर्मूला रहा होगा वो बन गया, और ये हो गया दूसरा En, ठीक है। और दोनों क्लोरीन आपस में क्या आ जाएंगे, ट्रांस, दोनों क्लोरीन आपस में ट्रांस आ जाएंगे, तो इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मेटल और दोनों ईएन भी आपस में क्या जाएंगे, ईएन क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड है, सबको पता होना चाहिए, इथेन 1,2 डायमीन इसका नाम है। ईएन क्या है, इथेन 1,2 डायमीन, और दोनों क्लोरीन भी आपस में क्या जाएंगे, सिस आ जाएंगे, इसको बोल सकते हैं हम लोग सिस आइसोमर। ये क्या है, सिस आइसोमर है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो। देखो जितनी भी ज्योमेट्रिकली पॉसिबिलिटीज है उन सबको हमें लिखना है, तो दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगी इसमें, या तो दोनों क्लोरीन आपस में ट्रांस आ जाए, दोनों ईएन भी आपस में ट्रांस, या दोनों ही आपस में सिस आ जाए, जैसे यहाँ पे क्लोरीन आपस में सिस है और ईएन भी आपस में क्या है, सिस है। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख लो। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा एक और केस में आप लोगों को करवाता हूँ कि मेटल के अराउंड अगर सारे के सारे लिगेंड अगर जैसे कैसे आ जाएं, डिफरेंट आ जाए, एक्स वाई जेड, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डब्लू एक्स, या फिर इसको बोल देते हैं चलो L1, L2, L3, L4, L5, L6, छः के छः लिगेंड्स इस तरीके से अगर आ जाए मेटल के अराउंड, तो फिर क्या होगा, देखो ध्यान से। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, क्या बनेंगे, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। इसको देखो ध्यान से मैं कैसे बना रहा हूँ 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को, आप लोग 15 के 15 को ड्रॉ कर सकते हो। माना आप लोगों ने, आप लोगों के पास 6 पोजिशंस हैं, आप लोगों के पास सपोज करता हूँ 6 पोजिशंस हैं इस तरीके से। आप लोग क्या करो, एक बार L1 और L2 को ट्रांस पे रखो, एक बार क्या करो L1 और L2 को ट्रांस पे रखो, ठीक है। L1 के साथ मैंने L2 को ट्रांस पे रखा, अब ये दोनों ट्रांस पे आ गए, ये चारों क्या बन चुके हैं, ये चारों स्केयर प्लेनर आपस में है, नहीं स्केयर प्लेनर। आप लोग बोलोगे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, L1 L2 अगर मैंने इसको प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे रख दिया तो चारों पोजीशंस क्या बन गई, स्केयर बन गया। और स्केयर में मैंने बताया था कि स्केयर में भी चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो स्केयर में चार लिगेंड अगर डिफरेंट है तो मैंने तीन आइसोमर पॉसिबल बताई थी कि एक बार जैसे एक को फिक्स कर देंगे, L3 को फिक्स कर दिया, इसके ट्रांस में L4 को ले लेंगे, L5 को ले लेंगे, एक बार L6 को ले लेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने L1 L2 को मैंने कहाँ ले लिया है, ट्रांस पे ले लिया है, ट्रांस पे ले लिया है L1 और L2 को। और इसके बाद जो बचे हुए लिगेंड्स हैं उनके लिए चार पोजीशंस हैं, और चार पोजीशन पे हम उनको कितने तरीके से रख सकते हैं, तीन तरीके से। मैंने आपको बताया था कि चारों लिगेंड अगर डिफरेंट हो तो स्केयर प्लेनर में तीन पॉसिबिलिटी बनती है, एक बार एक को फिक्स कर दो, बचे हुए तीनों को एक एक बार इसके ट्रांस में लिख के आओ, एक को फिक्स कर दो, जैसे L3 को फिक्स कर दिया, L4 को ट्रांस में लिख के आओ, एक बार L5 को लिख के आओ, एक बार L6 को लिख के आओ। तो इससे तीन बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी। अच्छा उसके बाद आप ट्रांस में लेके आओ L1 के साथ L3 को, इसके भी तीन बनेंगे, और एक बार L1 के साथ L4 को, एक बार L1 के साथ L5 को, एक बार L1 के साथ L6 को। तो इस तरीके से हमेशा तीन तीन ही क्या बनते रहेंगे, आइसोमर्स बनते रहेंगे। तो ये कितने हो गए टोटल, 15 हो गए टोटल, कितने हो गए, 15 हो गए, हो गए ना 15। ओके तो इस तरीके से आप 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हो। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने L1 के साथ L2 को ट्रांस पे ले लिया, L1 के साथ L3 को ले लिया, क्या हमने कभी आपस में L2 और L3 को ट्रांस लिया, वो तो नया केस बन गया, वो नया केस बन गया ना। इसे L1 के साथ L2 को लिया तो तीन पॉसिबिलिटी है, बचे हुए चार पोजिशन पर जो लिगेंड आए वो तीन तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सही बात है। चलो ये समझ गए होंगे आप लोग अगर दिमाग तेज है तो।
और अगर L1 के साथ L3 को ट्रांस मिले तो तीन आइसोमर बन गए, लेकिन L2 L3 को तो आपने लिया नहीं, L2 L3 को तो मैंने लिया नहीं, गलती कर दी। देखो ध्यान से, L2 और L3 को जब मैंने ट्रांस में लिया, अब ढूंढो L2 L3 को ट्रांस में लेंगे तो तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, जब L1 और L2 यहाँ पे थे ट्रांस में, सॉरी जब L1 और, जिसे मैं सपोज करता हूँ L1 और L4 लेता हूँ मैं, L1 और L4, ठीक है, जब L1 और L4 क्या थे, ट्रांस में थे, तो उस टाइम पे कभी ना कभी L2 L3 आपस में क्या आए होंगे, ट्रांस में आए होंगे, बोलो आए होंगे या नहीं आए होंगे। L1 L4 तो ट्रांस में, बाकी चारों को अगर मैं लिखूंगा इन चारों पोजीशंस पे, तो कभी ना कभी L2 L3 क्या आए होंगे, ट्रांस में। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई, जब L1 L5 के साथ ट्रांस में था, जब L1 L5 के साथ ट्रांस में था उस टाइम पर भी L2 L3 एक बार क्या आए होंगे, ट्रांस में आए होंगे। जो तीन पॉसिबिलिटी है इनमें से, इनमें से एक में L2 L3 क्या आए होंगे, ट्रांस में आए होंगे। जब L1 L6 के साथ ट्रांस में था तो उस टाइम पर भी एक बार जो है L2 और L3 क्या आए होंगे, ट्रांस में आए होंगे। तो इस तरीके से देखो L2 L3 तीन बार ट्रांस में आ चुका है, मतलब इन्हीं पॉसिबिलिटीज के अंदर वो भी इंक्लूड हो गई है। जैसे आप लोग बोलोगे सर एक बार आप लोग हमें L5 और L6 को ट्रांस में ला के दिखाओ, इसकी तीन पॉसिबिलिटी गिनाओ, तो मैंने L1 L2 को लिखा सबसे पहले ट्रांस में, इसमें तीन चांसेस थी, तीन चांसेस में कभी ना कभी तो L5 और L6 आपस में क्या होंगे, ट्रांस में, एक चांस हो गया। जब L1 L3 के ट्रांस में था तो उस टाइम दोबारा आए होंगे L5 और L6 ट्रांस में, और जब L1 L4 के साथ ट्रांस में था उस टाइम से तीसरी बार L5 और L6 क्या आए होंगे, ट्रांस में आए होंगे। मतलब इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को भी मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ इसके अंदर, 15 को छोड़ के बाकी कोई और ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका नहीं बनेगा। और उनको बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है कि L1 L2 को ट्रांस ले लो, बाकी इसकी तीनों पॉसिबिलिटी लिख दो, बाकी चारों लिगेंड के लिए तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी, जो स्केयर प्लेनर में सिखाया था, चारों डिफरेंट लिगेंड होंगे तो उन तीनों को लिख दो, और L1 L3 को ट्रांस में लिखो, और जो फिर स्केयर प्लेनर में जो सिखाया था ना मैंने कि चारों लिगेंड डिफरेंट होंगे तो तीन पॉसिबिलिटी होंगी, एक को फिक्स करो बाकी तीन को पोजीशन को चेंज करते रहो। तो इस तरीके से 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्फिस की भी बनेंगे। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, आप लोग बना के देख लेना चाहिए या फिर इसको बस याद कर लो, इससे कॉम्प्लिकेटेड केस और नहीं बनेगा। तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप लोग तभी कर सकते हो जब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से आता होगा। चलो ओके, थैंक यू।